आज की वीडियो में हम मार्जिन को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पैडिंग को कवर किया था, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी एक बार उसे जरूर देख लें, क्योंकि मार्जिन और पैडिंग लगभग सेम है, क्योंकि पैडिंग में अंदर से स्पेस दिया जाता है और मार्जिन में बाहर से। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने पेंट में एक एक कवर किया है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, जो मार्जिन की डेफिनेशन है वह मार्जिन प्रॉपर्टीज आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट में जो स्पेस है, जो स्पेस क्रिएट होगा आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के आउटसाइड पे जो बॉर्डर आप डिफाइन करेंगे उसके बाहर से जो स्पेस होगा उसे हम मार्जिन कहेंगे। ठीक है, जैसे पैडिंग पे हमने सीखा था जो ये स्पेस है अंदर का, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट और बॉर्डर के बीच, इसे पैडिंग कहेंगे। और यही जो बॉर्डर है, बॉर्डर और बाहर का स्पेस, मतलब बॉर्डर और ब्राउजर विंडो, मतलब जो खाली ये बाहर से ब्लैंक स्पेस है, वाइट स्पेस, इसे हम ब्राउजर विंडो कह सकते हैं, क्योंकि अभी ब्राउजर पे हम शो कराएंगे। तो बॉर्डर से लेके ब्राउजर विंडो के लिए जो भी स्पेस होगा उसे हम मार्जिन कहेंगे। मतलब मार्जिन अगर हम देंगे किसी को, बॉर्डर मतलब किसी डिवीजन को, तो वो बाहर के कंटेंट को लेगा, मतलब बॉर्डर बॉर्डर को स्पेस देगा। ठीक है, अभी हम इसे प्रैक्टिकली सीखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखते हैं, जैसे एक ने कमेंट किया था कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार करके दिखाएं, तो मैंने आज वीएस कोड ओपन किया है, तो इस पे देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, जैसे मैंने HTML लिखा, तो HTML5 को एंटर कर दीजिए आप। मेटा टैग की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं, तो इसे हटा देता हूँ। टाइटल पे हम मार्जिन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्जिन को कवर कर रहे हैं हम, इसे हटा दिया। बॉडी के अंदर आके आप पहला डिवीजन बनाइए, ठीक है, जैसे मैंने box 1 लिखा। ठीक है, इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, क्योंकि हम अभी इसमें मार्जिन देंगे तो आपको फिर अच्छी तरीके से मार्जिन का समझ आ जाएगा। तो एक और बॉक्स ले लीजिए, क्योंकि मार्जिन का यूज दो बॉक्स के बीच में, मतलब दो डिवीजन के बीच में स्पेस के लिए भी किया जाता है, गैप देने के लिए। अभी आप इसे जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं एक और डिवीजन दे देता हूँ, क्योंकि मार्जिन में एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो। तो मार्जिन ऑटो कैसे यूज करते हैं उसको हम इस थर्ड जो बॉक्स बनाया है मैंने इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं डमी टेक्स्ट में लोरेम कर लेता हूँ। अब इन सब में इनकी स्टाइलिंग के लिए वही स्टाइल, उसके बाद फर्स्ट जो बॉक्स है, आप क्लास को लिखने का तरीका वही है, बॉक्स, इसमें पहला बॉर्डर देता हूँ मैं। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर देते हैं 3px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसी तरीके से सब तीन के तीन बॉक्सों को एक बॉर्डर दे देते हैं। मैंने इसे कट किया, इसे पेस्ट किया और फिर एक बार और पेस्ट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक, दूसरा मैं देता हूँ इसे रेड और इसे दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं। तो इसे चलाने का तरीका है, कॉपी पाथ कर लीजिए और ब्राउजर में ऊपर यहाँ पे जाके इस सबको हटा के यहाँ पे कंट्रोल वी कीजिए। ठीक है, इसका पाथ आ गया, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसके बाद देखिए। अभी आप देख लेंगे हमने कोई ना मार्जिन दिया ना पैडिंग दिया, तो सब एक साथ चिपके हैं। अब मैंने बोला था दो डिवीजन के बीच में भी मार्जिन काम करती है, मतलब स्पेस देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे फर्स्ट डिवीजन ये वाला है, ठीक है, और दूसरा ये वाला, तो मैं इन दोनों के बीच में स्पेस दूंगा। तो फर्स्ट आप दे देंगे इसके, अब आप सोचिए यहाँ पे टॉप से स्पेस देंगे तो तीनों को नीचे का स्पेस जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट वाले डिवीजन को बॉटम से स्पेस दूंगा तब ये नीचे वाले को खिसका देगा नीचे को। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने दिया मार्जिन बॉटम, अब देखिए मैं इसे दे देता हूँ 50px। तो अब देखिए इसने से 50px नीचे को मार्जिन दे दी, तो मैं दोनों में ये कर लेता हूँ, नीचे वाले को भी मार्जिन बॉटम कर लेता हूँ। ठीक है, 50px। तो अब देखते हैं, तो तीनों को गैप मिल गया है। तो पहला तो हमने मार्जिन लगाना सीख लिया, अब हम देखते हैं मार्जिन का शॉर्ट हैंड। तो आपने पैडिंग का शॉर्ट हैंड देखा था, तो आज हम मार्जिन के शॉर्ट हैंड के लिए, मैंने देखे box 2 है हम इस वाले पे जिस पे हमने रेड बॉर्डर लगाया है, तो हम इस पे मार्जिन का शॉर्ट हैंड यूज करेंगे। तो इसके लिए मार्जिन
फर्स्ट जो तरीका है, जैसे मैंने 20px टॉप से दिया, उसके बाद राइट से दे दिया 40px, बॉटम से दिया 0 या 50 देते हैं क्योंकि फिर वो इक्वल नहीं हो पाएगा 50, और यहाँ से लेफ्ट से 0px देने के बाद अब देखते हैं शॉर्ट हैंड पे। तो आप देखिए ऊपर से हमने 20px, ऊपर वाला मार्जिन इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि पहले वहां से इधर देखिए 50px ऊपर वाले डिवीजन से पहले आ गया, ठीक है। और आप देख लेंगे राइट पे, तो राइट पे 40px यहाँ से यहाँ पे तक 40px का मार्जिन आया है, उसके बाद 50px बॉटम से, ये बॉटम से, और 0px लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आप देख लेंगे बिल्कुल यहाँ चिपका है, ठीक है। तो ये मार्जिन का शॉर्ट हैंड है। अगर आपको सभी जगह से सेम मार्जिन दे, तो मैं देता हूँ 50px, ठीक है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट हैंड, ये यहाँ से 50px है, अप डाउन जो बॉटम और अप से भी सेम है, और राइट लेफ्ट से भी 50px है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्जिन का शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। एक होती है मार्जिन में ऑटो प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए ऑटो प्रॉपर्टी, मार्जिन ऑटो का यूज किया जाता है। तो इसको सीखने के लिए जब आप मार्जिन ऑटो करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने मार्जिन टॉप से 0 दिया और राइट से ऑटो, बॉटम से 0 और यहां से भी ऑटो दे दिया, ठीक है, कहां से बॉटम से, सॉरी लेफ्ट से गया है। तो आप देखिए राइट और लेफ्ट से मैंने ऑटो किया है, टॉप और बॉटम से 0 किया है। तो इसके लिए आपको विड्थ देनी होगी क्योंकि ये डिवीजन की विड्थ लेगा। तो विड्थ दे दी मैंने कितनी, 500px। तो आप चला के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए इससे हम एलिमेंट को सेंटर में ला सकते हैं। अगर मैं विड्थ को बढ़ाऊं तो ये विड्थ का सेंटर लेगा, जैसे मैंने विड्थ को, अब देखिए जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी या घटेगी तो विड्थ का सेंटर लेगा। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए मार्जिन का यूज कर सकते हैं। और मार्जिन का शॉर्ट हैंड आपने देख लिया, और अगर सिंगल मार्जिन का यूज करना है, जैसे मार्जिन बॉटम या टॉप से कहीं से अगर आपको स्पेस देना है, तो आप मार्जिन बॉटम टॉप लेफ्ट राइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो आप मार्जिन को समझ ही गए होंगे। अगर अभी भी आपको मार्जिन या पैडिंग से लेके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।